13.3.5 गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। क्रियाकलाप 5, एक उत्तल लेंस लें और उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें, अथवा ऐसा लेंस लें जिसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात हो। अब वी स्टैंड की सहायता से लेंस को एक स्केल के पास सेट करें। ऐसा आपने क्रियाकलाप 4 में दर्पण के लिए भी किया था। लेंस के दोनों ओर F को चौक से निशान लगाकर F1 और F2 अंकित करें। इसी प्रकार 2F1 व 2F2 भी अंकित करें। एक जलती हुई मोमबत्ती को बाई ओर 2F1 से काफी दूर रखिए। लेंस के विपरीत दिशा में रखे पर्दे पर इसका स्पष्ट व तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करें। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज नोट करें। इसी प्रकार अब मोमबत्ती को सारणी में दी हुई अन्य स्थितियों पर रखकर अपने अवलोकनों को सारणी में भरें। सारणी 3, 13.3.6, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोली लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब के किरण आरेख। अ, उत्तल लेंस के किरण आरेख। सारणी 3 के अनुसार उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब के किरण आरेख चित्र 19 में दिए गए हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, 2F1 के पीछे हो। तीसरा, 2F1 पर हो। चौथा, 2F1 व F1 के बीच हो। पांचवा, F1 पर हो। छठवा, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। जब हम वस्तु को फोकस बिंदु व प्रकाशिक बिंदु के बीच रखते हैं तो हमें एक आभासी, सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह लेंस के उसी ओर बनता प्रतीत होता है जिस ओर वस्तु रखी गई हो। उत्तल लेंस के इस प्रकृति का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। जब वस्तु को लेंस से फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा जाता है तब आवर्धित व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ब, अवतल लेंस के किरण आरेख। इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर वस्तु को विभिन्न दूरियों पर रखकर किरण आरेख बनाएं। आप पाएंगे कि अवतल लेंस में प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी व फोकस बिंदु व प्रकाशिक बिंदु के बीच ही प्राप्त होता है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के बीच किसी बिंदु पर हो। आरेख के अनुसार अवतल लेंस द्वारा बन रहे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज को नीचे दी गई सारणी 4 में भरें। सारणी 4, 13.3.7, लेंस से संबंधित विभिन्न राशियों में अंतर संबंध। पूर्व की भांति इन राशियों को हम सारणी में सूचीबद्ध करके अध्ययन करेंगे। अचर राशियां, पहला, लेंस की फोकस दूरी F, दूसरा, लेंस की वक्रता त्रिज्या 2F, तीसरा, वस्तु की लंबाई H, चौथा, लेंस की क्षमता P। चर राशियां, पहला, वस्तु की लेंस से दूरी U, दूसरा, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी V, तीसरा, प्रतिबिंब की लंबाई I, चौथा, लेंस की आवर्धन क्षमता M। 13.3.8, गोली लेंस की फोकस दूरी F, दर्पण से वस्तु की दूरी U व प्रतिबिंब की दूरी V में संबंध। लेंस का सूत्र। जिस प्रकार हमने गोली दर्पणों के लिए सूत्र के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार गोली लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र स्थापित किया गया है। यह सूत्र वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V तथा फोकस दूरी F के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है 1/V ऋण 1/U बराबर 1/F। उपरोक्त लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोली लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र में आंकिक मान प्रतिस्थापित करते समय विभिन्न राशियों के उचित चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए।